तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल में अवेलेबल सारे फ़ोन कॉन्टैक्ट्स को जीमेल पे सेव करके उसका बैकअप बना सकते हो। मीन्स आपके मोबाइल में जितने भी मोबाइल नंबर हैं, आप उन मोबाइल नंबर्स को अपने जीमेल आईडी पे सेव कर पाओगे। और इन केस कभी आपका मोबाइल खो जाता है या फिर आप अपना मोबाइल चेंज करते हो, पुराने मोबाइल को छोड़ के नया मोबाइल यूज़ करते हो, ऐसे में आप अपने पुराने जीमेल आईडी को साइन इन करोगे नए मोबाइल में और आपको आपके पुराने मोबाइल का सारा फ़ोन कॉन्टैक्ट नए मोबाइल में मिल जाएगा जीमेल अकाउंट के थ्रू। तो यहाँ पे सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फ़ोन कॉन्टैक्ट ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन में चले जाना है, जहाँ पे आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाता है जिस जिस मोबाइल नंबर को आपने सेव किया है। उसके बाद यहाँ पे आपको थ्री डॉट का ऑप्शन दिखता है, तो आपको उस पर टैप करना है और यहाँ पे आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको आपके मोबाइल में अवेलेबल सारे कॉन्टैक्ट्स को एक्सपोर्ट कर लेना है एक VCF फाइल में। तो यहाँ पे आपको सेटिंग में मिलेगा या फिर आपको कहीं ना कहीं पे थ्री डॉट पे टैप करने पे फ़ोन कॉन्टैक्ट को एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको उस पर टैप कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपोर्ट टू स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आपको अपने कॉन्टैक्ट्स को एक्सपोर्ट कर लेना है एक फाइल में जिसका कि एक्सटेंशन होता है .VCF। और यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ पे ये एक्सपोर्ट होके मेरा सेव होगा, तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली लोकेशन भी मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस फाइल को सेव कर लेना है, मीन्स एक्सपोर्ट कर लेना है अपने इंटरनल स्टोरेज में। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस टाइप का नोटिफिकेशन आ गया है कि मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स को एक्सपोर्ट कर लिया गया है 0001.VCF फाइल में। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च में जाके सर्च करना है गूगल कॉन्टैक्ट्स, तो आपको एग्जैक्टली यही सर्च करना है गूगल कॉन्टैक्ट्स, और आपको contacts.google.com ये वेबसाइट दिख जाएगा, तो आपको ये वेबसाइट ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको मेक श्योर कर लेना है कि आपका जीमेल आईडी साइन इन किया हुआ है, तभी आपका ये वेबसाइट ओपन होगा कुछ इस टाइप का। अदरवाइज़ आपको पहले साइन इन करना होगा, उसके बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन मिलता है, तो एक्चुअली में जो आपने अपने डिवाइस से एक्सपोर्ट किए हैं सारे कॉन्टैक्ट्स की एक फ़ाइल, यहाँ पे आपको उसे अपलोड करना है अपने जीमेल आईडी पे। तो यहाँ पे आपको अपना फाइल सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पे वो एक्सपोर्ट हुआ था, मीन्स जहाँ पे वो एक्सपोर्ट होके सेव हुआ है, और यहाँ पे आपको अपने फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे इसी फाइल को मैंने एक्सपोर्ट किया था, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके इसे इंपोर्ट कर लेना है अपने जीमेल आईडी पे। तो जो भी जीमेल आईडी आपका साइन इन किया रहेगा, यहाँ पे आपका सारा कॉन्टैक्ट उस जीमेल आईडी पे इंपोर्ट हो जाएगा, मीन्स सेव हो जाएगा, वो यहाँ पे आपका इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इंपोर्टिंग, इंपोर्ट होने के बाद जितने भी मोबाइल नंबर हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और इन फ्यूचर आपको फिर से किसी भी कॉन्टैक्ट को इंपोर्ट करना हुआ, तो यहाँ पे आप सिंपली इस पे जाओगे, यहाँ पे आपको इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों, कुछ इस तरह से आपका सारा कॉन्टैक्ट यहाँ पे इंपोर्ट हो जाता है जो आपने स्टार्टिंग में एक्सपोर्ट किया था, और यहाँ पे आपके जीमेल आईडी पे ये सेव हो जाता है। और बाद में कभी आपका मोबाइल खोता है या फिर आप नया मोबाइल लेते हो और मोबाइल को चेंज करते हो, तो आपको अपने मोबाइल में इसी जीमेल आईडी को साइन इन कर लेना है और कॉन्टैक्ट ऐप को ओपन कर लेना है। कॉन्टैक्ट ऐप को ओपन करके यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन में चले जाना है। इस बार यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे टैप करके फिर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन को ढूंढ लेना है, और यहाँ पे आपको इंपोर्ट पे टैप कर लेना है इस बार, और जो भी फ़ोन नंबर है आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है अपने ईमेल आईडी से। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आप अपने फ़ोन कॉन्टैक्ट्स को जीमेल आईडी पे सेव कर सकते हो और उसका बैकअप ले सकते हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सारा स्टेप, और अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी टाइप के छोटे छोटे यूज़फुल वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया या फिर आपके मन में कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल इस चैनल से जुड़े रहें, अभी के लिए बाय बाय।